का रुख करते हैं भीलवाड़ा की तरफ। सीएम अशोक गहलोत भीलवाड़ा दौरे पर हैं, सीधी तस्वीरें भीलवाड़ा से। और यहां पर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे हैं, लोग मिलने के लिए पहुंचे, अपने अपने कागजों के साथ सीएम से जनसुनवाई के दौरान अपनी अपनी शिकायतें, अपनी अपनी मांगों को सीएम के सामने रखने के लिए। तस्वीरें वन टू वन संवाद करने की कोशिश। बहुत सारे लोग यहां पर मिलने के लिए पहुंचे हैं, अपनी अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी अपनी मांगों को लेकर। और सीएम यहां पर भीलवाड़ा के लोगों से मुखातिब होते हुए, राहुल भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राहुल, क्या अपडेट भीलवाड़ा दौरे की? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई करी है, लोगों की समस्या सुनी है, आला अधिकारी मौजूद थे, जिला कलेक्टर आशीष मोदी, एसपी आदर्श सिद्धू सभी मौजूद थे, तुरंत कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। लगातार लोग इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का, अपनी बात रखने का, अपनी समस्याएं रखने का। कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं सुनी गई है, उनसे ज्ञापन एप्लीकेशन भी लिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कहा है कि आपके कार्यों को किया जाएगा, और ये भी कहा है कि आने वाले महीने जब चुनाव होंगे, हमें फिर से चुनाव जिताइए, आपके और भी काम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट के लिए भी कहा कि वो मांगते मांगते रह गए और मैं देते देते नहीं थका, और मैं लगातार जितना जो मांग है वो पूरी करता आया हूँ, अब हमें चुनाव जिताइए ताकि हम और मांगे आपकी पूरी कर सके। इसे कहते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन सुनवाई समाप्त की है। अभी वो राजीव गांधी ऑडिटोरियम पहुंच रहे हैं और उसके बाद वहां पे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मोबाइल वितरण का कार्यक्रम है, निःशुल्क मोबाइल वितरण का कार्यक्रम है, वो किया जाएगा। जी बिल्कुल राहुल, यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए मिलने के लिए सीएम से, वन टू वन बातचीत की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से। बिल्कुल जी बिल्कुल, भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, और लोगों ने सीएम से बात करने की भी कोशिश की। सीएम ने बात भी सुनी है, आश्वासन भी दिया है। लगातार लोगों की भीड़ अभी भी सर्किट हाउस में जमा है ताकि लोग बाग अभी भी सीएम से मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। और सीएम साहब द्वारा अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिन लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी है समस्या उनका तुरंत निर्धारण किया जाए। जी बिल्कुल राहुल, तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है, कौन कौन से और दूसरे चेहरे उनके साथ में मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए पहुंचे, क्योंकि राहुल इस दौरान चुनाव का समय भी है और लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से सीएम तक अपनी बात पहुंचाई जाए, पीसीसी तक बात पहुंचाई जाए। क्या ऐसे कैंडिडेट भी पहुंचे सीएम से मिलने के लिए जो टिकट की मांग भी रखते हैं? जी बिल्कुल, कल रात से ही टिकट के जो दावेदार हैं, कांग्रेस के आले नेता हैं, लगातार सीएम से मिल रहे हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट यहाँ पे मौजूद है, रामपाल शर्मा जो पूर्व जिलाध्यक्ष वो मौजूद है, धीरज गुजर ने भी कल रात को मुलाकात की थी सीएम से, और अभी हाल फिलहाल जो नेता है, आला नेता है, जो टिकट के दावेदार भी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है, सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। और पर अभी सीएम साहब सबसे मिलके अभिवादन लेकर राजीव गांधी ऑडिटोरियम निकल रहे हैं ताकि जो वहाँ पे कार्यक्रम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का, उसका उसमें महिलाओं को निःशुल्क जो फोन मिल रहे हैं वो वितरित कर सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला सर्किट हाउस से निकल चुका है, अब राजीव गांधी ऑडिटोरियम पहुंचेगा, वहां पे लोग वहाँ फोन वितरण किए जाएंगे। भीलवाड़ा के जो जिले के जो नेता है, आसपास जिले के नेता है, वो भी सर्किट हाउस पहुंचे थे, सीएम से मुलाकात की है, अपनी बात रखी है, और चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी भी पेश की है। जी बिल्कुल राहुल, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है फोन वितरण के बाद? जी फोन वितरण के बाद सीएम साहब यहां से निकलेंगे, नीम का थाना इनका कार्यक्रम है, वहां की तरफ निकलेंगे, हेलीपैड पुलिस लाइन पे बनाया गया है, हेलीकॉप्टर की यात्रा से सीएम साहब भीलवाड़ा से निकल के नीम का थाना पहुंचेंगे। जी बिल्कुल राहुल, तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है, चुनावी समय है, अब ऐसे में काफी लोग ऐसे भी जो है वो मिलने की कोशिश करते हैं जो चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं। साथ ही साथ जनसुनवाई का कार्यक्रम यहां पर सीएम ने किया, फिलहाल जनसुनवाई के बाद में वो निकल चुके हैं, आगे फोन वितरण का कार्यक्रम है। राज्य सरकार की योजना थी महिलाओं को फ्री फोन देने की, उसी कड़ी के अंदर सीएम अशोक गहलोत जो है महिलाओं को फोन देंगे, और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि आगे उनका नीम का थाना जाने का कार्यक्रम है, कुछ ही देर के अंदर वो यहां से निकलेंगे। राहुल, क्या समय रहेगा भीलवाड़ा से निकलने का?
जी अभी राजीव गांधी ऑडिटोरियम सीएम का काफिला पहुंच रहा है, सीएम साहब खुद वहां पहुंच रहे हैं और उसके बाद वहां पे जो कार्यक्रम है उसको संबोधित भी करेंगे, औरतों से भी मिलेंगे और उसके बाद वहां से निकलने का कार्यक्रम बनेगा। जी जी राहुल, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यहां पर एक छोटे से